चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही शुरू हुआ दावों का सिलसिला। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने भरी हुंकार, तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अशोक चव्हाण ने पांचों राज्यों में कांग्रेस की जीत का किया दावा। चुनाव आयोग ने सोमवार की दोपहर पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में 7 से 30 नवंबर के बीच मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान होगा, बाकी सभी जगह एक चरण में मतदान होगा और 3 दिसंबर को चुनाव का नतीजा भी सामने आ जाएगा। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अब दावे की शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपना दंभ भर रही है और ये कहा है कि वहाँ उनकी सरकार बनने जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। इस दुनिया में कोई भी ज्योतिष नहीं राजनीति में। जनता का जो आदेश होगा उसका पालन करना, सर माथे लगाना हम सब का दायित्व है। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं पांच राज्यों की बात नहीं कर सकता, मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो एक तरफ मैं जनता से ये प्रार्थना करता हूँ कि चुनाव सरकार बनाते हैं, चुनी हुई सरकार बनती है जो प्रदेश का और जनता का भविष्य तय करती है। तो सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का चाकू है, शालीनता का प्रतीक है। इसे चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप उनसे बचें। यह शत्रुता नहीं है, तो विचारधाराओं का संघर्ष है। कौन सी पार्टी आनी चाहिए, सब शालीनता के साथ बड़प्पन से अपनी अपनी बात कहे, सरकार अपनी बात कहे, प्रतिपक्ष अपनी बात कहे और बहुत अच्छे माहौल में मध्य प्रदेश का चुनाव हो। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अशोक चव्हाण की तरफ से भी बयान सामने आया और वो पांचों राज्यों में कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि इनमें से किसके दावे सही साबित होते हैं ये 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। ये तो उम्मीद है, वो तो होना ही है, क्योंकि चुनाव नजदीक आए हैं, सब तैयारियां तो चल, सभी पार्टीज की पहले से शुरू है और चुनाव देश में होना जरूरी है। डेमोक्रेसी को जीवित रखना है तो देश के चुनाव तो अहम है, तो होना ही चाहिए, वक्त पे होनी चाहिए। सर, लेकिन कितना कॉन्फिडेंट कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस सभी 5 स्टेट जीतेगी, नो प्रॉब्लम। सर, 2024 के लिए तैयारी होगी इन असेंबली इलेक्शन के बाद में, क्या लगता है? लोकसभा की तैयारी करनी पर वो भी चुनाव है, लेट अस सी। सर, इस सीडब्ल्यूसी का एजेंडा क्या है आज की बैठक? ये 5 स्टेट्स के इलेक्शन का नेचुरली ये भी इसकी तैयारी इश्यूज, इसकी पूर्व तैयारी के बारे में चर्चा होगी।